आराम से दे देती आज भी 15 साल के बाद भी। 51,000 होने वाली है जी, है हो गए। क्या लगती है, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में आपका स्वागत है। हमने खाया है यहाँ पे देसी बर्गर भैया के पास, जिनके पास कॉलेज टाइम पे खाते थे। हाँ जी, क्या हाल चाल। तो हमें धर्मशाला में, ये है हमारी पुरानी बाइक थंडरबर्ड, इसको आज लेके निकलेंगे, देखते हैं कितनी किक में स्टार्ट होती है। वन किक स्टार्ट है आज भी, है मजा आता है इसको। चलो जी निकलते हैं। इसको भी अपने जाम आया यार। अभी इसमें पेट्रोल कम है, पहले पेट्रोल भरवाऊंगा इसमें। लास्ट टाइम जब चंडीगढ़ से आया था उसी टाइम पे पेट्रोल भरवाया था इस पे, तो टैंक फुल करवाया था। टैंक फुल पे ऑलमोस्ट 475 किलोमीटर चली है, आई थिंक 13 लीटर का टैंक है इसका। एवरेज इस कितनी मस्त है ना, मतलब लॉन्ग रूट पे 45 तो ये आराम से दे देती है आज भी 15 साल के बाद भी, और कंफर्टेबल इतनी है कि क्या बताऊँ। लिटरली मतलब सुपर मीटियोर से ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे ये लगती है। एक तो खैर सुपर मीटियोर की सस्पेंशन भी हार्ड है, इसकी सस्पेंशन, इसकी सीट, इसकी सीटिंग पोस्चर इतना कंफर्टेबल है ना, मज़ा आ जाता है। थोड़ा सा ब्रेकिंग में लग रहा है मेरे को अभी, क्योंकि उसकी ब्रेक्स की थोड़ी आदत है, धीरे धीरे अभी सेट हो जाएगी 2-3 किलोमीटर में। बट पुराने दिन याद आ जाते हैं जैसे इसको चला। रॉ पावर, सब कुछ रॉ, नो इलेक्ट्रॉनिक्स, नथिंग नॉनसेंस। ऑलमोस्ट 51,000 किलोमीटर मैंने चलाई है, ज़्यादा नहीं चलाई है, और लोकल भी कम ही चलाई है। मैं लॉन्ग रूट्स पे इस पर चलाता था ज़्यादा, बीच में कुछ साल नहीं भी चली। लिटरली मौसम भाई गए, कल मैंने चेन वगैरह लूज कर दी थी इसकी, स्मूथ चल रही है एकदम। पहले भरवाते हैं पेट्रोल इसमें, फिर आगे चलते हैं। ₹500 का पाई नहीं बढ़ के। पेट्रोल भरवा लिया, अब चलते हैं। मैं जा रहा हूँ अभी योल मामा जी से मिलने। आज मेरा टारगेट है कि 2 बजे तक निकल जाऊंगा मैं ना, कि 7-6, 7 बजे तक आराम से पहुंच जाऊंगा फिर चंडीगढ़। जाते जाते 2 मिनट दोबारा रुकना है काकड़ा ऑफिस में। इसको चलाने का मज़ा ही अपना है यार। अच्छा 15 साल के बाद भी, एक्चुअली मैंने क्या ना कुछ ज़्यादा इसको मेंटेन जो है मैंने प्रॉपर किया है, लाइक इंजन वाइज मेंटेन किया है, तो फालतू इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कराई मैंने। साइलेंसर बीच में बदलवाया था एक बार साइलेंसर मैंने थोड़ी देर के लिए, फिर ओरिजिनल साइलेंसर है, और कोई फालतू मॉडिफिकेशन नहीं, सिर्फ एक कैरियर लगवाया मैंने लॉन्ग रूट के लिए, बाकी और कुछ भी नहीं है, बाकी सब स्टॉक है। और टाइम टू टाइम इसकी सर्विस करवाई है, टाइम टू टाइम का टाइम से पहले ही करवाई है हमेशा, तो अभी तक सही चल रही है। अभी भी मतलब 2010 मॉडल है ये, और
अभी तक इसका सेल्स भी चलता है, मतलब उस टाइम के जो बुलेट थे, नया नया सेल्स तब इंट्रोड्यूस हुआ था इसमें, आई डोंट थिंक कोई इतने ज़्यादा बुलेट होंगे उस टाइम के जिसका सेल्फ आज तक चलता होगा और इसका चलता है। क्या खींचती है यार ये, मतलब मस्त। नई वाली बाइक में क्या है कि विंडशील्ड है, विंड ब्लास्ट की आदत नहीं रही है, तो अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या ही चल रहा है। तो हाँ जी, हम निकल गए हैं जी योल से वापस धर्मशाला वाली साइड। बादल आ रहे हैं, 2 बजे निकलना है मैंने आज वापस चंडीगढ़ के लिए। दोपहर के बाद ना थोड़ा सा बारिश का माहौल बन ही जाता है धर्मशाला में, कल भी बन गया था जैसे शाम को। मस्त ठंडी हवा फील होती है बिना इसके विंडशील्ड के ना, ये एकदम मज़ा ही आ जा रहा है। काहे का जाम लग गया भाई। ना ट्रैफिक हो गया ना धर्मशाला में यार, और 30 से ऊपर चल रही है बाइक, और अभी आज संडे है तो ये हाल है। हाँ भाई साहब, इसमें तो खड्डे फील ही नहीं हो रहे। सुपर मीटियोर में तो भाई साहब ठा करके फंसते हैं उसमें तो। सुपर मीटियोर में तो ये जो बीच वाली वाइट पट्टी है ये भी पता लगता है कि बाइक इसके ऊपर गई है, इतनी हार्ड है। इसमें तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बस ग्लाइड करती हुई जा रही है ऊपर से, मस्त। पीछे ना कि कैरियर मेरा थोड़ा सा टूट गया है, उसकी वजह से कड़कड़ कड़कड़ की आवाज कंटिन्यूसली आती रह रही है। यही ना बात, गियर का ना इसका अलग ही सिस्टम है, मजेदार। मेरी ब्रेकिंग जो है बाइक पे के ऊपर भी या फिर गाड़ी के ऊपर भी मान के चलो, बाइक के ऊपर तो इसी बाइक ने सिखाई है मेरे को ब्रेकिंग, क्योंकि अपनी ब्रेक्स तो इसकी नामत नहीं है, गियर पे रोकनी पड़ती है। जो कंट्रोल है वो सारा इसी बाइक पे सीखा है मैंने, और गाड़ी का जो गियर पे रोकता हूँ वो मैंने अपनी 800 पे सीखा है, उसकी ब्रेकिंग भी माशाल्लाह होती थी। फिफ्टी 1000 होने वाली है जी, 600 मीटर बचे हैं। बस 9, बस लास्ट 100 मीटर रह गए जी, ये हो गए। सो 51,000 चला दिए मैंने ये, अब 14 साल के हिसाब से 51,000 को बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जैसे मैंने पहले बताया कि ये मैंने लॉन्ग रूट पे ही ज़्यादा चलाई है, लोकल बहुत कम चलाई है मैंने, सो उसके हिसाब से 51,000 बहुत है। अच्छा, सुपर मीटियोर के बाहर की आदत पड़ गई है ना, तो ये तो मेरे को ऐसी लगती है हल्की सी, इसको तो ऐसा लगता है कि बस जैसे स्प्लेंडर ही आ गई हो हाथ में, उसके बाहर की आदत हो गई है। और पहले ये बहुत भारी लगती थी, आदत आदत की बात है, और पहले जैसे ये बहुत पावरफुल लगती थी, अब सुपर मीटियोर ही अभी सुपर मीटियोर पावरफुल लगती है, और पहले क्या है कि पावर हैंडल नहीं होती थी, तो अब अभी है कि पावर हैंडल उसकी कर लेते हैं।
क्या लगती है ये, बंदा बैठा होगा तो कैसी लगता है उसमें। सुंदर लगती है यार, बहुत ही सुंदर है। खड़े मुंह से मुंह जोड़ के खड़े हैं सारे। वाह यार, इसका तो थंप भी बड़ा मस्त था यार, इसका तो थंप भी बड़ा मस्त था। हाँ वो तो है ही है, 19 इंच का टायर है ना उसमें। नहीं नहीं लाइटनिंग, इससे पहले लाइटनिंग थी, पुरानी थंडरबर्ड भी थी ना। ये पुरानी थंडरबर्ड को इन्होंने जो वो बड़ी पुरानी आती थी उसको फिर दोबारा से वो किया था ना। पर बहुत ही सुंदर बनाई है यार, ऊपर से लाल कलर, आ हा हा हा, क्या बात है क्या बात है। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में आपका स्वागत है। तेल भी डलवाई लेते हैं यार इसमें ना, क्रिकेट स्टेडियम में पता नहीं क्या देखने आते हैं लोग। अरे सुंदर तो है, भाई सब बादल लगे हैं आने। आज पता नहीं कौन सा पेपर है लगता है कोई। ये बस यहाँ खड़े खड़े पिछले 10 साल में खराब ही हो गई है। चील गाड़ी की गलियों में आपका स्वागत है। सब कुछ ही चेंज हो गया है यहाँ भी। नहीं तो इस चढ़ाई में हम साइकिल चढ़ाते थे तो चढ़ाते चढ़ाते हालत पतली हो जाती थी। जय भोलेनाथ। यहाँ इतना क्रिकेट खेलते होते थे हम। चलो मैं, ट्रैफिक इतना ज्यादा है ना, क्या बताएं। ये है जी खड़े डंडा रोड, रोडगंज के लिए सीधा सीधा, बट बहुत ज्यादा चढ़ाई है इसमें। कटेगी नहीं तो ये है। सच में ट्रक की तरह काटना पड़ता है इसको। है इधर इधर बैठता है, हैप्पी है वो जो है। ओ की हाल है हैप्पी सिंह। लो जी आ गया धर्मशाला का बस स्टैंड। भागसू बसें अभी तक ऐसी की ऐसी हैं। मस्त लगती है यार ये चलती हुई। ये जी हमारा कॉलेज, ग्रेजुएशन हमने यहीं से करी है। भैया के पास बर्गर खाते थे, आज भी खाएंगे। इसको लगाना भी बड़ा देख सुन के पड़ता है ना, उठती भी नहीं है। अरे उठती नहीं, फिर उठ जाती है। हमने खाया यहाँ पे देसी बर्गर भैया के पास, जिनके पास कॉलेज टाइम पे खाते थे। ये था जी हमारा कॉलेज, यहीं पे हमने अपनी ग्रेजुएशन करी है। एक चक्कर मार ही आता हूँ कॉलेज के अंदर का भी। ये होता था अपना ब्लॉक, ये है लाइब्रेरी। सब कुछ ही चेंज हो गया है यार, सही है, चेंज होना भी चाहिए। ये था बास्केटबॉल कोर्ट, वो था जो अब MBA का है, वो पहले BBA का ब्लॉक होता था हमारा। ये नया बन रहा है। चलो जी अब बारिश आने वाली है, फटाफट घर चलते हैं। घर जाके अभी मैंने पैकिंग भी करनी है और बारिश आने वाली है, फटाफट निकलते हैं। ऑफिस से अभी कुछ सामान भी लेना है। अभी मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं है, फ़ोन चार्ज कर लूँगा थोड़ी देर, और कैमरा भी चार्ज कर लूँगा, साथ साथ में तैयार हो जाऊँगा, फिर निकलेंगे फटाफट, क्योंकि बारिश यहाँ कभी भी पड़ने वाली है। रास्ते में तो पता नहीं मिल होगी कि नहीं होगी, पर रास्ते में पूरे गीला गीला सही नहीं लगेगा।